हरि ओम नमो नमः सुप्रभातम। तो कर लेते हैं फिर से नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर के 11 बजे से। तो अभी खाना पीना भी हो चुका है, तो सारा काम भी हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ बाजार, तो मुझे जाना है आज बाजार, तो मुझे गरुड़ जाना है और थोड़ा सामान भी लेके आना है, तो मैं जा रही हूँ गरुड़। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन मेरे साथ में जो आ रहे हैं वो अभी तैयार नहीं हुए हैं। तो देखती हूँ कितनी देर लगाते हैं, पता नहीं कितने बजे हम लोग जाएंगे। 12 एक तो यहीं ना बजा दें। और बाकी मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, एकदम से धूप नहीं आई है, धुंध भरा मौसम हो रहा है। तो अभी बज गए हैं 12। और देखिए ये मेरी दगड़ू डॉली की मम्मी है आज गरुड़ जाने की, और बाकी और भी आ रहे थे। फिर अब मैं डॉली की मम्मी के साथ आ गई हूँ। ये ले जा रहे हैं सिलेंडर, इनने सिलेंडर भरना है गरुड़। तो कल गाड़ी आई थी वहाँ नहीं भरा इन्होंने, क्योंकि गरुड़ी भरते हैं। तो हम जाते हैं फटाफट गरुड़ और शॉपिंग करनी है डॉली की मम्मी ने भी आज, और मैंने भी फटाफट शॉपिंग करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैं बहुत दिनों के बाद जा रही हूँ पैदल पैदल यहाँ रास्ते से। ये है नीचे का रास्ता, वैसे हम ऊपर के रास्ते ही जाते हैं, आते टाइम ऊपर से आएंगे। अभी यहाँ के रास्ते चले जाते हैं, फटाफट से जाते हैं गरुड़ बाजार होके आते हैं, फिर मिलते हैं। और आजकल हमारे यहाँ को ये देखिए पाइपलाइन हो गई है फिट, ये तो ये पाइपलाइन जा रही है सीधे कौसानी, तो नदी के किनारे से आ रखी है। नीचे गौशाला के वहाँ पर जो टैंकी बनी है वहाँ से आया है पाइपलाइन। और ये देखिए पाइप बिछा रखे हैं यहाँ भी, और ये पाइप जा रहे सीधे कौसानी की ओर। तो बाकी यहाँ को बिछा दिए हैं, जहाँ जहाँ तक बिछा दिए वहाँ तक दिख रहे हैं, बाकी जहाँ को नहीं बिछाया वहाँ पर ऐसे रखे हैं अभी ये। तो देखिए पानी की सुविधा के लिए यहाँ से, हमारे यहाँ से हमारी गोमती नदी का पानी जा रहा है कौसानी। तो देखिए किस तरह से बिछा रखे हैं पाइप, बिल्कुल पूरे नदी के किनारे किनारे खेतों में भी गए हैं। तो यहाँ भी देखिए यहाँ तक पाइपलाइन हो रखी है ये। तो हम पहुँच गए हैं हरिपुर में, जो हरा पुल है। तो हम पहुँचने वाले हैं हरे पुल पे, और ये देखिए पूरी पाइपलाइन यहाँ भी बिछी हुई है, और यहाँ पर तक की पाइपलाइन बिछाई गई है। हम जा रहे हैं गरुड़ को, और हमको रास्ते में मिल गई है बोजी यानी कि स्वाति की मम्मी। तो आपको मिलाते हैं स्वाति की मम्मी से। तो यहाँ पर मिल गई हमको स्वाति की मम्मी है। अब यहाँ हाय कर दियो, हाय कर दियो भैया। तो हरा पुल से आगे को हम जाने लगे जहाँ पर हरा पुल था, और अब हम लाल पुल पे पहुँचने वाले हैं। तो देखिए यहाँ को बंदर काफ़ी ज़्यादा है, सब जगह बंदर है यहाँ रास्ते में। ये तो परमानेंट वाले बंदर हैं, ये कहीं जाते भी नहीं हैं और यहीं आतंक मचाते हैं। और अगर अकेले आ जाओ ना कुछ सामान लेके, फिर तो ये छोड़ते भी नहीं है, पूरा खा पी के सब कर देते हैं बराबर। तो अभी चलते हैं फटाफट से गरुड़ मार्केट में, और फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट में, और बैंक का काम हमारा हो चुका है, तो बैंक से हम नीचे को आ रहे हैं। और आज थोड़ा बहुत लोगों की शॉपिंग करने के लिए भीड़ भाड़ भी हो रही है, ज़्यादा तो नहीं हो रही वैसे, ठीक ठाक ही है बाजार में। तो चलते हैं नीचे को और फिर मिलते हैं आपसे। थोड़ा हमने सामान वामान ख़रीदा है, तो हम सामान ले लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये है हमारे यहाँ का GIC यानी कि बॉयज़ इंटर कॉलेज। तो हम लोग इंटर कॉलेज से भी ऊपर गए थे, तो ये बहुत ऊपर है बाजार में, और हम इससे भी ऊपर गए थे क्योंकि बैंक वहीं है, हमको बैंक में काम था। और अभी हम जा रहे हैं अब नीचे को, तो अब हम जाएंगे बाजार की ओर और फटाफट से करते हैं शॉपिंग अपनी, फिर मिलते हैं आपसे और फिर चलते हैं फटाफट यहाँ से निकलते हैं। हमारा सारा बाजार का काम हो गया, अभी हम आए हैं फरसवान कॉम्प्लेक्स में। तो डॉली की मम्मी को दिखाने दांत, तो हम आ गए हैं अभी मुस्कान डेंटिस्ट के यहाँ। डॉली की मम्मी बैठी है वहाँ नंबर पर अपने, और मैंने भी इधर वेट कर रही हूँ थोड़ी देर, बाकी सामान हमने ले लिए हैं। तो अभी हम आ गए हैं गरुड़ से, और टाइम हो गया 2:30 बज गया हमको। तो देखो डॉली की मम्मी ने जाते समय सिलेंडर ले जा रही थी, और अभी आते समय पशु आहार का कट्टा लेके आ गई है, और 30 किलो का कट्टा है वो सर में, और बाकी सर में सब्जी अलग है, और झोला मेरे पास है, ये भी भारी हो रहा है, इसमें भी सामान है इसलिए। तो हम आ रहे हैं बजाणी के रास्ते, आज इतने दिनों के बाद पैदल चल रही हूँ ना, थकान होगी बहुत। और ये हमारे यहाँ का शॉर्टकट रास्ता है बजाणी का, तो यहीं के रास्ते हम लोग घर को जा रहे हैं। बाकी डॉली की मम्मी भी थक गई है, उनके पास भी बहुत सामान हो गया वो पीछे से, तो ये देखो वो पीछे रह जा रही है, वो थक गई हैं। और बाकी सामान हमारा झोला बिल्कुल ऐसे भरे है ना, और मैं तो थोड़ा मेरा काम था बैंक का और वही किया, और बाकी थोड़ा सा वो लेके आई हूँ साड़ी का फॉल और वो लाना था, और बाकी ना बंदर आए हाथ में पकड़ा है डंडा, क्योंकि बंदर आ रखे रास्ते में, और डॉली की मम्मी के पास सब्जी है ना इसकी वजह से, बाकी झोले भी हैं तो ये झोलों में भी बंदर झपट जाते हैं। अभी फ़ोन आ गया उनका, तो बात करते करते आ रही हैं और मैं आगे से जा रही हूँ। तो फटाफट चलते हैं, और अभी घर जाके पार्थी पूजा में जाना है, तो आज राजदलों के यहाँ है पार्थी पूजा, वहाँ भी जाना है,
पाचू दी भी फोन कर रही है कि जल्दी आ, क्योंकि वो लोग भी रुके हैं तो देर भी होगी, क्योंकि कब से आए हैं, 12 बजे से आए हैं और टाइम लग गया था थोड़ी। टॉली की मम्मी ने हमने दांत लगाए, दांत का साइज दिया, मतलब नए दांत पहनाने के लिए, तो वहाँ ज़्यादा हमको देर लग गई और बाकी आ ही गए हैं हम टाइम पे। वो देखिए कैसे रास्ते में चल रहा हमें, ये बजाने का रास्ता हमारा, ये है ऐसा रास्ता और ऊपर पूरी बजानी बजानी फिर 5 के जंगल वाला रास्ता है। फटाफट जाती हूँ, फिर मिलते हैं आपसे घर जाके, और बहुत थकान हो गई है हमें आज, चलिए चलते हैं घर को, फिर मिलते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर बिसा लिया है फनाई धार के पार, और अभी हमारा गांव है उधर, हमारा घर थोड़ा सा रह गया है, दाड़ी में घर आ गए हैं हम। बाकी डॉली की जगह थकाई लग गई बहुत ही, डॉली की मम्मी बहुत थक गई हैं, उनको भारी हो गया खट्टा, और सब्जी भी थी थोड़ा तो मैंने पकड़ ली वहाँ पर से, तो थोड़ा आराम मिल गया है। और अब हम मूंगफली खा रहे हैं, मैं लेके आई हूँ मूंगफली, इतनी गर्म गर्म हो रही है ना बढ़िया, ये डॉली की मम्मी ने शुरू कर दी है तो मैं भी खाती हूँ थोड़ा, और मज़ा आ रहा है मूंगफली बहुत टेस्टी हो रही है, भुनी है बढ़िया, नवींदा की दुकान से लाए। और चलिए अब मिलते हैं आपको घर जाके, अभी हमने मात भी जाना है, फिर मिलते हैं आपसे। तो अभी मैंने घर आके कपड़े वपड़े बदल लिए हैं और अब जा रहे हैं हम मात को, आज है पार्थिव पूजा मात, तो अभी मैं पाचूदी का इंतज़ार कर रही हूँ, तो पाचूदी आने वाली है, फिर उसके बाद जाते हैं हम मात को, तो फिर दिखाएंगे आपको थोड़ा बहुत जितना होगा दिखाऊंगी, नहीं तो फिर मिलूंगी आपसे थोड़ी देर में। तो अभी पाचूदी आने वाली है और उसके बाद जाते हैं हम मात पार्थिव पूजा में, और कपड़े वपड़े चेंज भी कर लिए और ठंडा भी होने लग गया, अब थोड़ी देर में भी गाय बांधने आना पड़ता है, अभी थोड़ी धूप तो है गाय के वहाँ पर, थोड़ी देर में फिर गाय बांधने आना है, और टाइम भी हो गया है 3:30, क्योंकि गरुड़ में बहुत टाइम लग गया था तो देर हो गई है। अब जाते हैं ऊपर को और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। मनी भी 50 तो ये आ गए हैं, पाचूदी भी आ गई है, तो ये पैसे दे दिए मेरे को डबल देते हुए पाचूदी। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ मात को, और यहीं से हमको लग गया है उगाओ, कहाँ तो पाचूदी की हेयर स्टाइल काफ़ी सुंदर बनाई है आज ये, तो ये वैशाली ने बनाई है, ये है वैशाली, बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाई, मज़ा आ गया। क्या है वो फ्रेंच, फ्रेंच जूटिया और ये देखो ये आ नहीं पा रहे हैं दो माचेली, हम इनको रुके रह जा रहे हैं ये दो माँ चेली आ नहीं पा रहे हैं, और ये टीचर तो आ ही नहीं पा रही हमारी, ये टीचर ये हैं कीर्तनों से, और देखो ये पाचूदी का मन नाचने को कर रहा है, पाचूदी करी की मैं ऐसी नाच जाती है कल से बहुत मगन हो रही है राम जी के आने से राम जी आए क्या अयोध्या में, पाचूदी खुशी के मारे पहरी जमीन पे नहीं रह रहे हैं, इसके नाचने का ही मन कर रहा है बता। तो हम अभी आरती आरती भी हो चुकी है और बाकी भजन करके आगे है, ये सब आ रहे हैं पीछे से, ये मंडली आ रही है पीछे से, एक किसान बोझी को देखिए आप, ये भिक्कू काटते हुए, ये देखो ये हाथ से बिल्कुल देखो, इनके हाथ ही डराती हैं मैं इनके हाथ नहीं डराती हैं देखो चूने में रह गई है ये हाथ से, देखो ये नहीं देखो इनके हाथ नहीं डराती हैं, ये देखिए और गाय भी वैसी हो रही है भिक्कू खाई जैसी, भिक्कू खाई जैसी, भिक्कू खाई जैसी। तो ये देखिए हम आ गए हैं, ये हमारी मंडली, तो आजकल पाचूदी तो
तो आज का पांचवी दिन आई थी ये, इसके रहे में यहाँ हमने कीर्तन कीर्तन भी कर दिए हैं। हाँ, ऐसी गई दो जगह हो गए दो जगह हो गए अभी हमारे वहाँ आप लगातार हैं, तो रोज सुनने को मिलेंगे, जरा भजन भी सुनने को मिलेंगे, जरा कॉमेडी भी सुनने को मिलेगी। और यहाँ ये इकलू बानर बैठा है, देखे इसकी कमर भी टूटी है बेचारे की, इसकी कमर पीछे से निकल रहा हूँ जो आई ये देखो। अभी अब दो चार दिनों के बाद दिखेगा आपको हमारे बखाई का और कामकाज। तो बाकी जो जो यहाँ होंगे वो सबका अपने को देखेंगे, फिर जो चले जाएंगे वो फोन में देखेंगे। ये देखेंगे इस बहाने से हम सब मेरा ब्लॉग तो देखेंगे। हाँ यार, ये अगर जाएंगे तो मेरा ब्लॉग भी देखेंगे, अगर यहीं रहेंगे तो मेरे ब्लॉग में आएंगे। तो चलिए फिर अब चलते हैं घर को। और यहाँ नीमा दी का कारोबार देखिए, ये बिल्कुल स्पीड में नीमा दी ने देखो जगदम्बा और अपनी क्या एक केछू रुकमणी और जगदम्बा को गोड उठा दिया है। और अब देखिए घास समेटने में लगी है नीमा दी का, फिर जगदम्बा और रुकमणी, फिर रुकमणी मम्मी ठहरी, जगदम्बा बेटी। तो नीमा दी ने हाँ ये रुकमणी की लड़की, तभी तो रुकमणी बिलाप नहीं कर पा रही है। तो देखो नीमा दी ने घास भी बांध दिया है और हमारे मोदी जी वहाँ से देखे। तो ये है हमारा मोती, ये देखो यहाँ से देख रहा है छत से। अब मैं इनको चाय पिलाती हूँ अच्छी सी, वहाँ चाय नहीं पीवा है तुम। चलो चलो, तो अब इनको चाय पिलाती हूँ मैं अपने वहाँ, बढ़िया सी चटपटी। ये देखो ये हमारे आंगन में आके हमारे बोर्ड के साथ फोटो खींचने, पांचू दी को पमेलू पसंद आ गए हमारे, ये देखो नजर ही नहीं हट रही है पमेलू से। तो ये जाने लगे हैं दीदी लोग अब पार्टी से। पार्टी मतलब हाथ की पार्टी यार, यहाँ तो तुमने कॉफी भी, अरे मौसी को यार तनुजा पहाड़ी ब्लॉक को, मैं मौसी को यार तनुजा पांडे कह रही है यार, इसने मेरा नाम आया तनुजा पांडे रख दिया है ये रिद्धि। अरे अब मर जानू खा लू यार, चलो फिर मिलते हैं कल को, कल आना, कल नींबू छानूंगी है, चलो फिर बाय। तो चले गए हैं दीदी लोग भी अब अपने घर को, और मैं भी जाती हूँ अब, और ऊपर पार्थी पूजा भी हो गई है, तो अभी मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। तो यहाँ पर ये पार्थी पूजा का प्रसाद खाते हुए देखो, हाय। ये हाँ ये खा चुके हैं, ये आ रहे हैं, और ये मन्नू बाट होए थैल छू, ये मैं इनको खिला रहा है। बखाई में एक नया चेहरा दिखा। ये थाली ले जाते हुए। तो पार्थी पूजा का खाना भी बटने लग गया है, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को कर लेती हूँ यहीं पे, जल्दी मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।